यार नहीं मारो यार डोंट फिनिश डोंट फिनिश मत फिनिश, मत फिनिश करो मुझे मत फिनिश करना यार <laughs> वो है उसको क्या बोलते हैं <laughs> असला क्या हाल है वेलकम बैक टूर उसे सब लोग ठीक होंगे आज की वीडियो में मैं आप लोग को अपनी न्यू सेंसटिविटी एंड कंट्रोल शो करने वालों साथ साथ कोर्स भी बना के दे दूंगा अब जो लोग इंडिया से एंड बीजेम खेलते हैं तो यार टेंशन नहीं लेनी उनके यहाँ पबजी के कोर्स काम नहीं करते तो मैं उनको वैसे ही सेंसिटिविटी शो कर दूंगा आप लोग उसके स्क्रीनशॉट लेकर उसको यूज कर लेना अब जिन लोगों को क्लोज में मेरी तरह फाइट लेना पसंद है उनको ज्यादा पसंद आने वाली है ऐसा क्यों आपको अभी खुद ही पता चल जाएगा ओ भाई इधर काफ़ी ज़्यादा बंदे आ जाते हैं एंड स्पेशली ऐसी जगह पे आपको हिरिंग लेके बहुत ही ज़्यादा खेलना पड़ता है जैसे कि यार इधर मैं यूएमपी उठाता हूँ सामने मुझे फर्स्ट एड किट मिलती है अब जैसे ही मैं किट मारने लगता हूँ ना सामने से एक बंदा आता है इस और ड्रॉप के ऊपर आपको स्पेशली काफी ज्यादा हेरिंग लेके खेलना पड़ेगा क्योंकि एक घर के साथ बिल्कुल दूसरा घर इन्होंने अटैच किया हुआ है तो बिल्कुल फुटस्टेप की समझ नहीं आती खैर इसका टीममेट सामने की साइड से पुश करता है एंड एच मेरी काफी ज्यादा डाउन हो जाती है फोर से मैं फॉल बैक करता हूँ अपने आपको हील अप करता हूँ एंड दोबारा से फाइट में चलते हैं सामने मुझे यूएमपी नजर आती है एमो शमो मैं चुकता हूँ इतने में ऊपर से एक बंदा लैंड करता है एंड एक मुझे दोबारा से यहाँ पे फ्री का किल मिल जाता है अब इधर मुझे फुटस्टेप स्टेप आ जाते हैं जैसे सामने की साइड पे कोई बंदा टीपीपी ले रहा हो एक मेरे पास मोलेटा होती है मैं ट्राई करता हूँ कि शायद से कोई बंदा खड़ा हो एंड सच में एक बंदा खड़ा होता है फौरन से एक बंदा अपनी लोकेशन चेंज करता है अब चलो यार इस बंदे को भी निपटाते हैं जल्दी से ओ भाई साहब ये क्या था मुझे लगा ये एक ही टीम है बट ऐसा नहीं होता ये बंदा मेरी आंखों के सामने मेरा किल चोरी कर देता है खैर कोई बात नहीं पे मैं जल्दी से अपने अप करता हूं। अब इसी बंदे का दूसरा टीम बिल्कुल मेरे छत के ऊपर होता है जो कि नीचे पुश नहीं कर रहा होता अब इस बंदे को मारने के बाद मुझे लगता है कि यार इस वाले घर के अंदर फाइट खत्म हो चुकी है बट ऐसा नहीं होता अभी मैं इनकी क्रेट्स लूट वूट करता ही कि भाई सामने की साइड से एक और बंदा पुश करा देता है ओ भाई ये बंदा मेरी एचपी काफी ज़्यादा डाउन कर देता है जल्दी से मैं अपने आपको हील अप करता हूँ एंड इस बंदे के साथ मेरी दोबारा से फाइट होने वाली है इधर मैं अभी जस्ट हील अप करता ही, ही हूँ कि भाई ये बंदे दोबारा से निकाल होकर आ जाते हैं अपना रिवेंज लेने के लिए तो कोई बात नहीं दोबारा से इनके साथ फाइट लेते हैं एंड इस दफा फाइट और भी ज़्यादा मजे की होने वाली है ओ भाई साहब ये दानी नाम का प्लेयर जो भी था बहुत ही प्यारा खेल रहा था खैर इन बंदों को मारने के बाद फाइनली इस घर की फाइट मेरी खत्म होती है एंड दस किल्स आपका भाई एक ही घर में करता है जिनमें काफी किल्स मेरे चोरी भी हो जाते हैं खैर कोई बात नहीं आगे की साइड पे बढ़ते हैं ऊपर की साइड पे मेरे दो बंदे होते हैं यार वैसे इस तलवार का भी अलग ही सीन है जब मैं चलाता हूं तो भाई एनिमी मुझे आराम से मार देता है बट जब एनिमी चलाता है तो मेरी गोलियां भी उसको नहीं लगती इन बंदों की मैं पेटी लूट ही रहता हूँ के सामने से एक और बंदा आता है एनडीए स्पीड का आखिरी बंदा होता है ये बंदा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा होकर टीपी पी ले रहा होता है तो इस बंदे पे मैं एक वोलेटअप कराता हूँ अब ये बंदा यहाँ से पीछे भागने की सोचता है तो चलो यार इस बंदे को भी निपटाते हैं जल्दी से आ ये गाइस इसी के साथ का इवेंट आपके भाई ने फता लिया। वो भी तेरह केस के साथ एंड अभी आप लोग किल्स के ऊपर नजर रखो ट्वेंटी सिक्स बंदे अलाइव हैं बट ही मैं जोन के अंदर इंटर करता हूं ना भाई सिर्फ और सिर्फ सात बंदे बचते हैं असल में होता यह ये, ये सारे के सारे थर्ड रिकॉल के ऊपर फाइट रहे होते हैं आपस में एंडोस रिकॉल का सीन ये होता है कि आपको टाइम रहते बाकी एनिमीज को मार के खुद को रिकॉल करना होता है अगर आप लोग ऐसा नहीं करते तो आप लोग जोन से मार जाते हो एंड ये सारे के सारे बंदे उधर जोन से मार जाते हैं खैर सामने वाले घर में फाइट चार्ज होती है एंड जब मैं इधर पहुंचता हूँ तो सिर्फ दो ही बंदे बचते हैं तो चलो यार इनको निपटा के इनसे चिकन डिनर लेते हैं भाई ये वाला चिकन डिनर तो वैसे फ्री का चिकन डिनर हो जाता है बट कोई बात नहीं बढ़ते हमारे नेक्स्ट आउट ड्रॉप की तरफ एंड बारी है का इवेंट आपका करने की एंड आप लोग नोट कर सकते हो मैंने अपना पुराना नाम दोबारा से रख लिया जो लोग मुझे फेसबुक के टाइम से जानते हैं उनको पता होगा कि इसी नाम के साथ इसी आउटफिट के अंदर मैं पाकिस्तानी लॉबी के अंदर क्लच करके अपलोड किया करता था अब जैसा कि मैंने बताया नेक्स्ट सीजन मैंने पाकिस्तानी लॉबी के अंदर ही रैंक पुश करना है तो इसीलिए मैंने दोबारा से नाम वगैरह भी चेंज किया ताकि यार ओल्ड मेमरीज को दोबारा से याद किया जाए एंड फेसबुक से याद है कि आपके भाई का फेसबुक का पेज भी है हो चुका है तो उसको रिकवर करने की मैं कोशिश कर रहा करो दुआ करो यार मैं जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर लू अब आप में से भी अगर किसी बंदे को इस बारे में इन्फॉर्मेशन हो कि कैसे अपना फेसबुक का पेज रिकवर करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी मैसेज करना इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा या आप लोग वैसे सर्च कर देना क्रूजर ओपी तो आपको मिल जाएगा खैर आते हमारे गेम प्ले के ऊपर सामने की साइड पे एक बंदा होता है एंड जो की टप शॉर्ट गन चला रहा होता है अब इस बंदे के घर के अंदर मैं एकदम आग याग करने वाला हूँ एक मोलेट कराता हूँ ये बंदा डाउन नहीं होता पता नहीं कैसे बच जाता है बट कोई बात नहीं दो और मोलेटाफ होते हैं एंड मैं इस बंदे को तो भाई लगा के छोड़ूंगा ओके फाइनली लास्ट वाला जो मलेटा होता है इस बंदे को लगता है ये बंदा पे नॉक होने के साथ साथ फिनिश भी हो जाता है सामने वाले घर से मुझे फुटस्टेप होते हैं सामने वाले घर में एक और बंदा कैंप लगा के बैठा हुआ है, तो चलो यार इसको भी निपटाते हैं जल्दी से गुरु भाई बड़े मजे से सीढ़ियों पे टीवी भी लेके बैठे हुए होते हैं तो इनको निपटाने के बाद आगे की साइड पे बढ़ते हैं सामने वाले घर में अकेला बंदा होता है कैंप लगा के बैठा होता है एक नेट करने की मैं ट्राई करता हूँ नेट से यह बंदा बाजिएगा कोई बात नहीं बुघैर उगैर टुके सीधा इस बंदे पे पुश करते हैं आप लोग नोट कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा फाइट मैं क्लोज़ में ही ले रहा हूँ ताकि यार मेरी क्लोज़ की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाए क्योंकि यार पहले गर्मियों में मैं अपने मोबाइल के पीछे कूलिंग फ़ैन लगा के खिला करता था अब सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो उस फैन की कोई खास ज़रूरत नहीं है तो उसको उतारने के बाद मुझे अपनी सेंसिटिविटी भी चेंज करनी पड़ी है क्यार सामने मेरे एक फ्री का कील होता है जैसे मैं इस बंदे को मारता हूँ ना भाई कहीं से मोलेटा हुआता है एंड भाई अब इधर जो फ़ाइट होने वाली है ना आप लोग ज़रा वो 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 इन्जॉय करो भाई साहब जिस बंदे के पास अच्छे हेडफोन नहीं है वो इस इवेंट पे कभी भी ना उतरना खैर तीन बंदे मैं डाउन करता हूँ लास्ट बंदा इनका बिल्कुल मेरे सामने होता है अब इन बंदों को निपटाने के बाद मैं बड़े आराम से इनकी पेटियां शेटियां लूट ही रहा होता हूँ कि भाई मेरी घर की छत पे ऊपर एक बंदा रिकॉल होकर उतरता है ओके okay, इस बंदे को मैं डाउन करता हूँ साथ ही एक और बंदा छत पे लैंड करता है जल्दी से किट मारते हैं अब इसका लास्ट वाला टीममेट बिल्कुल मेरे सामने होता है जो कि मैं पुश नहीं कर होता इवन मैं इसके टीममेट को भी फिनिश कर देता हूं ताकि कि ये बंदा पुश करे बट ये बंदा सामने नहीं आता उल्टा भाई इस बंदे के भी आप लोग काम चेक करना बस यार इतनी सी बात थी एंड इस बंदे ने फजूल में मुझे इतना ज़्यादा बकाया खैर गायज आप लोग को कंट्रोल्स कोड एंड सेंसिटवि कोड डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर रहे होते हैं टिकट के ऊपर कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई सेंसिटिविटी कोड दे दो तो मैं आपको बता दूँ कि जब भी मैं अपनी कोई न्यू वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अपडेटेड कंट्रोल्स कोड एंड सेंसिटिविटी कोड मिल जाते हैं अगर आप लोग को मेरी सेंसिटिविटी यूज़ करनी है आप लोग सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आओ जो वीडियो मैंने लास्ट में अपलोड किया है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको वहाँ पे सेंसिटिविटी कोड मिल जाएगा अगर वो कोड काम नहीं कर रहा तो आप लोग मेरी नेक्स्ट वीडियो के आने का वेट करो जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करता हूँ साथ ही मैं अपने कोड्स को भी अपडेट कर देता हूँ खैर इसके बाद इवेंट से मैं निकलता हूं, सामने अपार्टमेंट में दो बंदे होते हैं इनको भी भी आराम से मारने के के बाद आपके पे किल्स हो साथ इरेंगल का आपको भाई पता कर लेता है अब जो लोग इंडिया से हैं एंड जिनके कोर्स काम नहीं करते तो आप लोग वेट करो वीडियो के एंड पे मैं आपको आराम से अपनी दिखा दूंगा आप लोग आराम से उनके स्क्रीन ले लेना बढ़ते हैं हमारे भाई साहब इन बंदों के साथ तो कहते ही प्रैंक हो जाता है कैंप लगा के बैठे रहते हैं एंड भाई आल पे ये लोग तो गालियां शालियां भी देने लग जाते हैं बट कोई बात नहीं तीन बंदे के डाउन होते हैं चौथा बंदे का बाइक लेके आता है तो चलो यार इसको भी इनके पास ही बेचते हैं जल्दी से इसी के साथ आपके बैठा वन वी फोर होता है कंप्लीट बढ़ते हैं हमारे आज की वीडियो के लास्ट वन वी फोर की तरफ भाई साहब तीन बंदे मैं डाउन करता हूँ एंड एच पी देखो आपकी बाइक काफी ज़्यादा डाउन हो गया मुझे लगता है कि गाड़ी के पीछे एक बंदा है बट एक बंदा इनका गाड़ी के पीछे नहीं होता एक बंदा इनका इवन यहाँ पे होते ही नहीं है जैसे ही लास्ट वाला बंदा इनका यहाँ पे बगी लेके पुश करने वाला है हाँ ये गाइस तो बस यार आगे वीडियो में सिर्फ इतनी वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर वीडियो को लाइक कर दो चैनल भी लाजमी कर देना मिलते हैं आप